friends, how are you? Good. Okay, let us start about next topic. Our topic is marginal propensity to consume. Consume मतलब जो आपने consumption करना है, उसको consumption किस level पर करते हो? जैसे income के increase होने पर आपका consumption increase होता है, लेकिन कितने point increase होता है? 2 point, 1 point. वो क्या होता है? आपकी खर्च करने की tendency पर depend करता है कि आप इनकम के इंक्रीज होने पर कितना कंजप्शन को इंक्रीज कर दोगे, उसको क्या कहते हैं हम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ठीक है, इसको डेफिनेशन से देखते हैं. एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन. क्या हो रहा है? चेंज इन कंजप्शन टू द चेंज इन इनकम. इनकम के चेंज होने पर कंजप्शन में चेंज होगा, लेकिन कितना पॉइंट होगा, ठीक है, उसको हम यहाँ पर मेजर करेंगे. और वो क्या होगी आपकी एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. क्लियर? एमपीसी को निकालने का क्या फॉर्मूला है आपका? चेंज इन कंजप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम. चेंज इन सी और चेंज इन वाई क्या शो करेगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को शो करेगा. देखते हैं कैसे करना है इसको. आपने एक तरफ लेना है अपनी इनकम को, सेकंड लेना है आपने अपने कंजप्शन को, और थर्ड निकल जाएगा आपका एमपीसी. ठीक है, कैसे लेना है? आपकी इनकम कितनी थी? 50 करोड़. आप कितनी हो गई है? 100 करोड़. ठीक है, कितने बढ़ गई है? 50 करोड़ आपकी इनकम में इंक्रीमेंट हो गया है. अब आपका कंजप्शन का इंक्रीमेंट कितना हुआ है? पहले आप 40 करोड़ खर्च कर रहे थे, तब जब आपकी इनकम 50 थी, आपका कंजप्शन कितना था? 40. आपकी इनकम 100 थी, आपका कंजप्शन था 60. क्लियर? इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ? 50 का. इसका मतलब चेंज इन वाई क्या है आपकी? इक्वल हो गया 50 के. चेंज इन सी, सी कितना था? 40 से इंक्रीज होकर कितना हो गया? 60. इसका मतलब चेंज इन सी क्या है आपका? 20. एमपीसी निकालने का क्या फॉर्मूला है? चेंज इन सी एंड चेंज इन वाई. ये क्या है आपका? चेंज इन सी और ये क्या है आपका? चेंज इन वाई. इसको आप कैंसिल कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? 0.4. 0.4 का मतलब क्या है? आपके खर्च करने की जो प्रवृत्ति है वो क्या है? 0.4. आप सारा खर्च नहीं कर देते, आप अपनी इनकम के इंक्रीज होने पर क्या करते हो? सेविंग भी करना शुरू कर देते हो, इसलिए ये खर्च करने की जो प्रवृत्ति है ये क्या हो जाती है? 0.4 कम हो जाती है. ठीक है, आप इसका यहाँ डायग्राम बनाएंगे. यहाँ आपका कंजप्शन और इधर आपकी इनकम. यहाँ आप क्या लोगे? इनकम को लोगे और यहाँ आपका कंजप्शन है. जब इनकम 50 थी, इनकम 50 थी तो आप 40 कंजप्शन कर रहे थे. इनकम के 50 होने पर कंजप्शन कितना था? 40. इनकम के 100 होने पर कंजप्शन कितना हो गया? 60. ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगी आपकी? एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ठीक है, कैसे निकालोगे? चेंज इन सी और चेंज इन वाई. ठीक है, इनकम में चेंज होने पर कंजप्शन में कितना चेंज आप करते हो, ठीक है, वो क्या है आपकी? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, खर्च करने की प्रवृत्ति. क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. इससे पहले हमने एवरेज पढ़ा था, वो मेरे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हो. हम इस चैप्टर को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, तो छोटी छोटी वीडियो में आप इसको पूरा क्लियर कर सकते हो. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.